नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का आज वेडनेसडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अपन ने निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और आज के दिन एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने मिली थी, उसके बाद एक अपन को बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मूव अराउंड 10 बजे तक देखने को मिला, जिसको अपन इस बॉक्स की मदद से एक अपन इस फ्रेम के अंदर देखने को मिला था, और जैसे ही इसका एक हमें ब्रेकआउट देखने मिला, फिर उसके बाद रीटेस्ट के बाद एक अपन को अपसाइड का एक स्कैल्पिंग मूव देखने को मिला है। अगर अपन रीटेस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो एक अपन को अच्छा मूव अराउंड 100 प्लस पॉइंट्स का देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो हमें इस रेंज में ही मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है पूरे दिन, ना ही हमें डाउन साइड का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, ना ही ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। नीचे की तरफ एक अपन को 3 बजे के आसपास ब्रेकडाउन देखने को मिला था, पर ऐसे टाइम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डीके ही क्लोजिंग के टाइम देखने को मिली होगी, और फिर वापस हमें फाइनल क्लोजिंग अराउंड 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास देखने को मिली है। तो ये था निफ्टी का वेडनेसडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है निफ्टी। तो दोस्तों, अब आएंगे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे जो अपन को आज की कैंडल देखने मिली वो एक अपन को बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो एक अपन को इन्वर्टेड हैमर टाइप की भी कैंडल देखने मिली है, जिसमें कि अब सीधे अपन बात करें तो डाउन साइड की मोमेंटम अब तभी देखने मिलेगी जब इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने मिले, जो कि है 24,700 के लेवल के आसपास का। अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करता है तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 24,500 का लेवल। बुलिश मूव की बात करें तो अपसाइड की मूवमेंट अब यहाँ देखने को मिलेगी, अगर ये वाला लेवल जहाँ से आज अपन को रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिले निफ्टी, जो कि है 25,235 का लेवल, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तभी एक अपन को यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। और अब इस रेंज में मोमेंटम करें निफ्टी तो यहाँ पे एक अपन को वोलेटाइल मूव निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आएंगे निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करें निफ्टी, जो कि अराउंड 24,885 का लेवल, तो इसके नीचे एक अपन को डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधे फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 24,800 के आसपास का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना नेक्स्ट टारगेट 24,700 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगला लेवल जो रहेगा वो रहेगा 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 24,885 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। तो अपसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे निफ्टी, जो कि अराउंड 25,160 का लेवल, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तभी एक अपन को यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 25,235 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सीधे फिर जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 25,360 का लेवल, और जो अपना थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 25,160 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो। अगर निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने को वेट करेंगे, जो कि है 25,160 के लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 24,885 का लेवल ब्रेक डाउन करे तो एक अपन को एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन इस पॉइंट से अगर अपन एक्सटेंड करें तो देखने को मिल रही है। तो अगर इसको अगर अपन ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन कल के लिए देखने को मिल रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, साथ ही साथ ये वाला लेवल भी ब्रेकडाउन करे, जो कि है 24,885 का लेवल, तो एक अपन को यहाँ से बहुत अच्छी मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें, और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग की सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन का बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी रेंज बनती हुई देखने मिले, जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें एक अपन को अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने मिले, और उस रेंज का जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, टेलनेस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।